हेलो दोस्तों, नमस्ते। आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है लाल मिर्च का अचार। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि यह अचार किस तरह से बनाया जाता है और इसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है। ये मैंने 500 ग्राम लाल मिर्च ली है। मसालों में हमने खड़े मसाले लिए, ये हमने धनिया लिया है, जो साबुत धनिया है वो हमने ये चम्मच से 4 चम्मच लिया है, और ये हमने सौंफ लिए वो 4 चम्मच लिए, और ये मेथी दाना लिया है वो आधी चम्मच लिए, और ये हमने 2 चम्मच राई ली है, और पिसा हुआ मसाला लिया है यानी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और अमचूर पाउडर। ये हमने गैस चालू कर दी है, पैन रख दिया है। अब इसमें ये जो साबुत मसाला लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसे सेक लेंगे, जिसमें इसमें ये नमी होती है वो इसमें ठीक हो जाए, इसकी वजह से हम इसको सेक रहे हैं। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए, अब इतना ही हम सेकेंगे, क्योंकि ज़्यादा सेकेंगे तो ये जल जाएंगे। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये मसाला ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसको हम बाउल में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब ये जो मिर्च ली है उसके ये जो ऊपर की डंडी है वो हम हटा देंगे और इस तरह से बीच में एक चीरा लगा देंगे, इस तरह से। इस तरह हम सब मिर्च कर देंगे। अब देखिए, हमारी सारी मिर्चों में हमने ये चीरा लगा दिया है। अब जो ये मसाला हमने खड़ा लिया था, जिसको हमने सेका था, वो हम मिक्सी जार में डाल देंगे। और इसके ढक्कन लगा के हम दरदरा इसको पीसेंगे। अब ये मसाला हमारा पिस चुका है। अब देखिए, ये खड़ा मसाला हमारा पिस चुका है और इस तरह से हमको पीसना है दरदरा। और मिक्सी आप चलाएं तो लगातार ना चलाएं, रुक रुक के चलाएं, तो इस तरह से मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम ये मसाला डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ये अमचूर पाउडर। लाल मिर्च आप डालें या ना डालें, यदि आप खाते हो तो लाल मिर्च डालें और नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इस मसाले को हम मिलाएंगे और इसमें हम थोड़ा तेल डाल देंगे। ये हमने सरसों का तेल डाला है जो कि बॉईल किया हुआ है, और इसको हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए, अब हमारा मसाला बन गया है। अब हम इसमें मिर्च में भर देंगे। अब इस तरह से एक मिर्च उठाएंगे और उसमें हम ये मसाला भर देंगे। देखिए, इस तरह से हम मसाला भर के और ये बाउल में रख देंगे। इस तरह से सारे मिर्चों में हम मसाला भर देंगे। देखिए, ये सारी लाल मिर्च को हमने भर दिया है और ये जो तेल हमारा गरम किया हुआ था सरसों का, वो हम ऊपर से थोड़ा डाल भी देंगे। तो ये क्या है, 6 महीने तक हम रख सकते हैं।
और आप वैसे भी इसको खा सकते हैं बिना तेल डाले भी। अब देखिए मेरी मिर्च खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप रोटी परांठे किसी के साथ भी खा सकते हैं और आप कहीं भी जाएं तो उसको ट्रैवल में भी आप ले जा सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।